नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ आशीष कुमार। वक्त हो गया है यूपी की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यूपी में कई शहरों में प्याज 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने व्यापारियों के पास प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब यूपी में प्याज के थोक और खुदरा व्यापारी एक निश्चित सीमा तक ही प्याज रख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक अवैध पटाखा गोदाम में बुधवार सुबह अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आशंका जताई जा रही है कि कई लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 IFS अफसरों के तबादले कर दिए हैं, जहां अलीगढ़ के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल को सचिवालय प्रशासन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल को नगर आयुक्त मेरठ के पद पर भेजा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माता पिता, पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता, पत्नी व संतान का भरण पोषण करना कल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक विधान के तहत सामाजिक न्याय की संकल्पना है। भारतीय समाज में विवाह महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर पर लगने वाले जाम से अब लोगों को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल जल्द ही शहर के भीड़भाड़ वाले 5 इलाकों में पार्किंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। यूपी में चंदौली की सीमा से सटे सोनभद्र जिले की सदर कोतावली क्षेत्र के जिगना गांव स्थित मुर्गी फार्म पर छापा मारकर पुलिस ने जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 8,24,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जुआरियों की स्कॉर्पियो, बुलेरो और 4 बाइक सीज कर दी गई है। यूपी में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अब दूसरे थानों की पुलिस भेजकर औचक जांच कराई जाएगी, जहां मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। अगर क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग बिना मास्क के मिलेंगे तो संबंधित क्षेत्र के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी अंतर्राज्यीय सातिर वाहन चोर को उसके साथी सहित गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली की तरफ से 2 गाड़ियां आ रही हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। मथुरा जनपद के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने के आरोप में सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए फैजल खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार की शाम फैजल को तहसील छाता परिसर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह की अदालत तक ले जाया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने निजी अस्पताल में फैजल को आइसोलेट कराया है। यूपी के फतेहाबाद से रिहावली तक 15 किलोमीटर लंबे जिला मार्ग का नाम कानपुर कांड के शहीद सिपाही बबलू कुमार और आगरा के शमशादाबाद राजखेड़ा तक 4 किलोमीटर लंबे सड़क का नाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान कौशल कुमार रावत के नाम पर रखा जाएगा। तो ये थी यूपी की 10 बड़ी खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी दबा दे, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और यूपी की खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार।